गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने इस व्लॉग में। तो गाइस, आज बज रहे हैं सुबह के 3, तो मैं इतनी बजे सुबह उठकर जा रही हूँ वृंदावन, इसीलिए मैं आज इतनी सुबह उठ गई। तो सुबह उठकर सबसे पहले किचन में गई मैं और मैंने शुरू कर दिया बच्चों का लंच बनाना। और आज मैं लंच में बना रही हूँ छोले, काले छोले और मेथी की पूड़ी, क्योंकि सुबह ही बच्चों का लंच तो बनाना ही पड़ेगा चाहे हम कहीं भी जा रहे हों। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठी, मैंने कहीं का फटाफट से लंच बना के और कुछ पूड़ियाँ मैं लेके भी चली जाऊँगी वृंदावन के लिए। तो आज का जो ट्रिप है ना, तो आज जा रही हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन मुझे ये नहीं पता भी मेरे साथ कौन कौन सी फ्रेंड जा रही है, ये मेरे लिए सरप्राइज ही है। तो आज हमारा फ्रेंड वाला ग्रुप होगा, तो मैंने ना फटाफट से बच्चों का लंच पैक करने के लिए भाई दही डाला। मेरे बच्चे के देखो लंच में आज क्या क्या लेके जाते हैं, दही उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं दही, एक टिफ़िन मेरा बच्चों का दही रहता है और एक में डालूंगी छोले काले और पूड़ी अलग से रख दूंगी, और एक इनका फ्रूट का होता है, तो इनके स्कूल में ना फ्रूट कंपलसरी है, तो ये बच्चों का लंच होता है। फिर मैंने फटाफट से मैंने छोले रख दिए, तो वो बॉयल्ड हो गए थे, तो इधर मैंने छोंक लगाना शुरू कर दिया। पहले मैंने प्याज भून ली और टमाटर, ये सब जैसे भी ग्रेवी सब बनाते हैं उसी तरह ही बेसिक मसाले डाले। एक स्पेशल मसाला जो मेरी फ्रेंड ने दी थी वो मैं काले छोले में डालती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है फिर ये छोले ना। तो मेरा ख़त्म होने वाला है, अब मैं बोलूँगी दोबारा से। और कि सहानी, सहानी है मेरी फ्रेंड का ना, तो वो लेके आती है, बड़ा अच्छा मसाला है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बाहर वाले। फिर मैंने शुरू कर दिया भाई मेथी की पूड़ी बनाना। आज मैं मेथी डाल के पीस के और आटा बना के और मैं बना रही हूँ मेथी की पूड़ियाँ, और इसमें मैंने अजवाइन भी डाल लिया है ताकि ना डाइजेशन में सही रहती है, ठंड का मौसम है और मेथी भी है और छोले में तो ज़रूर ज़रूर अजवाइन डालनी चाहिए। तो अजवाइन दोनों चीज़ों में है। और बनाते बनाते देखो मैंने क्या ढेर लगा दिया पूड़ियों का, क्योंकि आज मैं लेके भी जाऊँगी और बच्चों का पता है बच्चे आके भी खा लें, इस हिसाब से मैं बना के जाऊँगी उनके लिए, क्योंकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो कि मम्मी आज गई है बाहर और उन्हें ना मिले। तो फिर फटाफट से मैंने शुरू कर दिया बच्चों की पूड़ियाँ पैक करना, और ये हो गया मेरा बच्चों का लंच पैक। अब मुझे पूरे दिन कोई टेंशन नहीं रहेगी, आज पूड़ी भी बन गई उनके आने का भी, उनको पसंद भी है पूड़ी सब्जी और ये छोले वगैरह, तो आज मेरा इनके वजह से तो मैं हो गई फ्री। तो फाइनली अब मैं तैयार हो गई और फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि भाई आ जाओ जल्दी से और मुझे करना है व्लॉग स्टार्ट, तो मैं अभी कर रही हूँ व्लॉग स्टार्ट और चाय पी रही हूँ। और सुबह सुबह चाय भी मेरी फट गई क्योंकि सब कुछ एक साथ डाल के चली गई, तो रात का दूध रहता है ना तो अदरक और ये सब फट जाती है ना, तो ये फट गई। अभी चाय पी रही हूँ और जाना है, टाइम हो गया पूरा, इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी वहीं मिलेंगे। आज जा रहे हैं वृंदावन, तो वृंदावन जा रहे हैं और वृंदावन की तो और सारी वीडियो मैंने कई बार बनाई हुई है, आज देखेंगे क्या बाकी बिहारी अपनी नई झलक दिखाते हैं और क्या कवर करते हैं हम। मैं उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ, कैसे दर्शन देते हैं क्या है सब उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, मैं तो बस अपनी धुन में और उनकी धुन में लगी रहती हूँ। तो चाय फिर भी छान ली पर अच्छी लग रही है, और लड्डू गोपाल का तो कर दिया काम, मतलब नहलाए नहीं आज, जल्दी में हूँ ना इसीलिए आधी बात कर रही हूँ, आधी चाय पी लूँगी घूट क्योंकि निकलना है बस। ये कर रही हूँ कि क्या क्या सामान, बस पैसे चाहिए, फ़ोन चाहिए, आज तो लेंस लगाया मैंने तो चश्मे की भी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं लेट होती जा रही थी तो मैंने बस लड्डू गोपाल को भोग रखा और उनका जल चेंज कर दिया, आज उनको नहलाया नहीं और आज मैंने कुछ खास ऐसे पूजा पाठ भी नहीं की, बस जल बदल के और भोग रख के हाथ जोड़ के मैं तो उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि बस यही स्वीकार करें ये सेवा आज की मेरी, अब वही बाके बिहारी के दर्शन करेंगे, उनके लिए प्रसाद लेके आएंगे। चलो भाई, बच्चों को लंच वगैरह बना दिया, फ्रूट वगैरह वो अपने आप काट के ले जाएंगे, काट देंगे, ये खुला करते हैं थोड़ा सा, बाहर जा रहे हैं। जा रही हूँ मैं, सारे सो रहे हैं देखो, जा रही हूँ मैं रशु, जा रही हूँ मैं, लंच बना दिया अपना ले लेना और फ्रूट पपीता कटवा लेना, बस ये काम है। तो जा रही हूँ मैं, अभी देखो सुनसान सा हो रहा है बिल्कुल ही, और बज रहे हैं 5:15 ही हुए हैं पर सुनसान हो रहा है। इनको इसलिए नहीं उठाया मैंने कहा अभी सुबह सुबह उठेंगे फिर मुँह हाथ धोएंगे, अंधेरा हो गया फिर बाद में करते हुए लाइट में बाद, तो इनको इसलिए नहीं उठाया कि अभी सुबह सुबह फिर पहले उठेंगे फिर उसके बाद मुँह हाथ धोएंगे, इतने मतलब मैं पहुँच लूँगी, पास में ही जाना है अपने फ्रेंड के घर, गाड़ी तो घर से भी ले लेती पर मैंने कहा क्यों वेट कराया, और शायद आ भी गई है वो, खड़ी है गाड़ी
चलो अभी मैं जाऊँ दौड़ू, गाड़ी सामने खड़ी है, सारे पीछे पैक हो गए क्या? राधे राधे, सीट दो, कहाँ है? यही है सीट। अच्छा पीछे आओ, कहाँ? गुड़िया को। तो जी राधे राधे भैया। तो फ्रेंड्स 5:25 पे हम निकल गए हैं वृंदावन के लिए, दिल्ली से आज जा रहे हैं वृंदावन। तो सुबह सुबह का टाइम था, बिल्कुल खाली था, और ये वाला मैंने कवर किया मोनेस्ट्री वाला एरिया। यहाँ पर देखो बस वगैरह खड़ी हुई है, जिसको ये मनाली जाना है या मनाली से कोई आया है, ये कश्मीर गेट का एरिया, ये सारी जो बसें आती हैं ना, ये सारी यहीं रुकती हैं, यहीं से लोग बैठते हैं। तो ये देखो कितनी सुबह सुबह जैसे 5 बजे के आसपास बस आ जाती है, और लोग बैठ के भी जाते हैं, शाम को भी बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। हमने की राम नाम की माला, और फिर उसके बाद की हनुमान चालीसा। वैसे मुझे है ना हनुमान चालीसा इतने ढंग से नहीं आती पूरी, पर मेरी फ्रेंड को आती है, तो उसके साथ साथ जैसे शुरू का एक बार शुरू कर दो, फिर हाँ पता चल, फिर तो पता है मुझे कौन सी लाइन है क्या है। तो वो शुरू कर दी गई थी, तो हम सब ने साथ साथ कर लिया हनुमान चालीसा। शामदा जी अब उतरे हैं थोड़ी देर एक रेस्ट लेने के लिए, अब और निकल गए हैं, दिन निकल गया है करते करते, और हमने ऐसे ही निकलना पड़ेगा, ये हमारे गाड़ी की सीट भी ना करेंगे, हम ऐसे ही निकल लें। रुके रुके जीना नहीं निकल ऐसे, एक ही करेंगे ना एक, चलो उधर से निकल लें, एक करने सीख लो, ये बेचारा परेशान मत करो। आज हमारे साथ कौन कौन आया बेटा? ये देखो ये आए हैं, क्या नाम है? सौम्या। सौम्या आई है आज सबसे, और एक अनु आई है, और एक भाभी आई है। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। हमारा ट्रिप आज का देखते हैं कैसे होगा और क्या क्या आज हम कवर करेंगे। अभी वॉशरूम के लिए हम रुके हैं, थोड़ा सा लाइन लगा ली इन्होंने यहाँ भी, ये लाइन लग रही है वॉशरूम में भी। सुबह सुबह ना वैसे ना लेडीज ज़्यादातर कंट्रोल कर लेते हैं, पर सुबह सुबह ये रहता है कि पता नहीं क्यों आ ही जाता है। वैसे तो कंट्रोल मैंने तो लेडीज ज़्यादातर कंट्रोल कर लेती है, जैसे मार्केट वार्केट जाते हैं कर ही लेते हैं, मेट्रो स्टेशन पर भी नहीं करते, सुबह जाएंगे करके, पर अभी सुबह का टाइम तो हो ही जाता है, यहाँ सब लगे पड़े हैं। और मैंने लग रहा है वृंदावन में काफ़ी भीड़ मिलने वाली है, ऐसा हो रहा है। वृंदावन जा रहे हो आप? हाँ जी, चलो हम भी वृंदावन जा रहे हैं, सब वहीं मिलेंगे वृंदावन। राधे राधे। आप कहाँ से आए हो? हम लोनी साइड। लोनी साइड। अच्छा हमें देखो वृंदावन के भक्त और मिल गए पीछे। अरे वहाँ जा रहे हो ना, लाइन लगू ना, लाइन तो लगाऊ, लाइन लग रही है जबरदस्त। ब्लैक एंड व्हाइट बढ़िया लग रहा है, गरम गरम हाथ ही ठंडे हुए हमारे बाहर निकल के ना। हेलो तो जी लाल की जय, जय 7:04। हेलो 7:04 और हम कहाँ पहुँचे? मैंने सिर्फ इसलिए डर रखा कि हवा आ रही है और कर दो क्या है गरीब की ना, हवा तो खराब कर दो जाएगा हमारे माथे से लगा ना, और सहन ही क्या हो रहा है, जुकाम थोड़ी एलर्जी है इसको, मास्क लगा के पूरे प्रोटेक्शन से चल रही है सहन ही, मैं भी और हमारे भी ख्याल रखते हुए। अब लग रहा है ना तेरा मन मेरा इसका सब कुछ रुक गया था इधर, जाम हो गया इसका फिल्टर, फिल्टर जाम हो गया इसका। फाइल का तो सांस ही आना बंद हो जाता अगर हम लोग आ जाते तो, या फाइल वहां की लगता है चक्कर मेरे दो तो कोई नहीं है ऐसा है तभी तो आई हूं। मेरे बज रहे हैं 7:35, हम टाइम से पहुंच जाएंगे शायद 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, और दर्शन अभी करते होंगे हमारे, और सानी कह रहे 8:30 मंदिर खुलता है, अब देखेंगे। लाली की जय, जय जय सरकार की जय, राधे राधे राधे।
कौन बाहर होगा, टाइम बता दे। 8:08 हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया टाइम पर पहुंच गए हम। और भैया ने ऐसी जगह से लिया कि बिल्कुल सीधा पहुंचेंगे परिक्रमा मार्ग पर, पहुंचे वरना रोक लेते भाई। और जब उतारती भी तही से खाने के लिए आई है तू अपने सारे काम। ये परिक्रमा मार्ग बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो जी परिक्रमा कर रहे हैं, जिनको करना है, जिनको दर्शन करना है वो दर्शन के लिए जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। ये कहाँ से घुमाए गाड़ी देखो।